सो मेरे को व्यूअर का पता लगा था तो माय मौसी शी इज अ बिग फॉलोअर ऑफ आर्ट ऑफ लिविंग, वो कोर्स करती रहती है, शी कीप सेंडिंग मी न्यू कोर्सेज. तो मैंने पहले ध्यान नहीं दिया, सो वंस शी वाज थ्रू विद द कोर्स देन शी टोल्ड मी कि ऐसे ऐसे आई टुक दिस रेमेडी और मेरे को कितना चेंज मिल रहा है. माय सिस्टर वाज अंडर डिप्रेशन, सो शी गॉट ट्रीटेड बाय दिस रेमेडी. तो मेरे को लगा कि ठीक है, नहीं लेट्स जस्ट ट्राई कि देखते तो ऐसे क्या है. तो मैंने ऐसे एक दिन गूगल किया कि और क्या है, मैंने खुद से थोड़ा स्टडी किया एंड देन आई टोल्ड हर ठीक है चलो, बिकॉज एट दैट टाइम आई वाज अ लिटिल डिप्रेस्ड आल्सो. सो आई वाज लाइक कि चलो ठीक है, इवन आई विल यू नो टेक दिस रेमेडी. देन आई गॉट इंट्रोड्यूस्ड विद निकुन सर एंड उनसे कंसल्टेशन हुई मेरी एंड आई वाज सो आई फेल सो लाइट एंड आई टुक दिस रेमेडी. थोड़ा टाइम लगा मेरे को थोड़े चेंजेस लाने में अपने अंदर एंड देन थोड़ा मेरे को इंटरेस्ट भी आया तो मेरे को अंडरस्टैंड कि क्या इमोशंस होते हैं. दैट इज हाउ आई गॉट लिटिल इंक्लाइन टुवर्ड्स दिस कोर्स. और इस कोर्स में मेरे को ये हेल्प हुई, लाइक माय मोटिव वाज टू अंडरस्टैंड द इमोशंस भी. देन आई गॉट टू नो दैट वी हैव 38 इमोशंस. आई वाज वेरी काफी मेरे को अच्छा लगा था और मेरे को नहीं पता था कि इतने सारे इमोशंस होते हैं. तो धीरे धीरे जब पता लगा इट्स अ ग्रेट एक्सपीरियंस. और दी ओनली थिंग दैट आई हैव लर्न फ्रॉम दिस कोर्स इज व्हेनेवर आई एम डूइंग समथिंग आई गेट द रियलाइजेशन इमीडिएटली दैट यू नो दिस इज व्हाट आई एम डूइंग रॉन्ग, आई नीड टू करेक्ट दीस थिंग्स. सो दैट इज हाउ दिस कोर्स हैज हेल्प मी. सो आई लुक फॉरवर्ड टू यू नो गोइंग टू द सेकेंड लेवल एट सम पॉइंट इन टाइम. बट थैंक यू, बिग थैंक्स टू निकुंज सर कि ये कोर्स मैंने किया एंड आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू गोइंग टू द सेकेंड लेवल सम टाइम. थैंक यू.